नमस्ते बच्चों, मैं सिंधु व्यास विद्यापीठम विद्यालय से। आइए आज हम शुरू करते हैं छवी कक्षा के पहला पाठ। पाठ का नाम है किरण का संदेश। ये एक छोटी सी सुंदर कविता है। आप जानते हो इस कविता का कवि का नाम क्या है? हाँ, इस कविता का कवि का नाम है श्रीनाथ सिंह। तो श्रीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया एक सुंदर कविता आज हम पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ये संदेश देता है कि जीवन में उदासी छोड़कर हमेशा उत्साह और जोश के साथ अपने और दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाओ। तो हमें अपने और दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाना है, एक ही संदेश इस कविता द्वारा श्रीनाथ सिंह जी हमें देते हैं। हमें हर वक्त दूसरों की मदद करना चाहिए। तो आइए हम कविता की पहले चार पंक्तियों के ओर चलते हैं। बच्चों आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके उच्चारण अच्छी ढंग से हो जाने के लिए। आइए तो पहला चार पंक्ति। मेरे कमरे में सूरज की एक किरण नित आती है, जिसको पाती पास उसी पर अपना चमक चढ़ाती है। दोहराती हूँ, मेरे कमरे में सूरज की एक किरण नित आती है, जिसको पाती पास उसी पर अपना चमक चढ़ाती है। इन पंक्तियों में आए कुछ नए शब्दों के और देखेंगे। पहला, इनमें आए शब्दार्थ हम जानेंगे। पहला शब्द कमरा। कमरा का मतलब क्या है? कमरा यानी रूम। और दूसरा किरण। किरण का मतलब क्या है? किरण, रे, सूरज यानी सन, नित डेली, चमक शाइन। और पास, पास का मतलब क्या होगा? पास का मतलब है नियर। तो आगे हम इस कविता के इन पंक्तियों का आशय जानेंगे। पहले दो पंक्तियों में देखिए, सूरज मेरे कमरे में सूरज की एक किरण नित आती है। यह है हमारा पहला दो पंक्तियां। इन पंक्तियों में, इस पंक्तियों में कवि श्रीनाथ सिंह कहते हैं कि उसके कमरे में हर सुबह एक सूरज की किरण हर सुबह रोज आती है। इसके कमरे में सूरज का एक किरण हर रोज आते हैं। അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിലേക്ക് സൂര്യന്റെ ഒരു കിരണം എല്ലാ ദിവസവും എത്തുന്നുണ്ട്. മീൻസ് എവറി മോർണിംഗ് എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് കം ടു ഹിസ് റൂം. അർത്ഥാത് ഉസ്കെ കമരേ മേ ഹർ ദിൻ സൂരജ് കാ ഏക് കിരൺ നിത ഹർ റോസ് ആതേ ഹൈ. അഗലേ ദോ പംക്തിയോ മേ ഹം ദേഖ്തേ ഹൈ. അഗലേ ദോ പംക്തിയോ മേ ക്യാ ലിഖാ ഹൈ? ജിസ്കോ പാതി പാസ് ഉസി പർ അപ്ന ചമക് ചടാതി ഹൈ. जिसको पाती पास उसी पर अपना चमक चढ़ाती है। इन पंक्तियों का आशय है, ये किरण नित यानी हर दिन सुबह सुबह आकर अपने पास वाले लोगों पर अपनी चमक चढ़ाती है। इस किरण सुबह सुबह आकर अपने पास वाले लोगों के साथ अपने चमक चढ़ाती है। इसका अर्थ है सुबह सवेरे सूरज का प्रकाश यानी उजाला फैल जाने पर, सुबह सवेरे सूरज का उजाला यानी प्रकाश फैल जाने पर हम सब नींद से उठकर आलस्य छोड़कर नया उत्साह प्राप्त करते हैं। അതായത് രാവിലെ സൂര്യ കിരണങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആലസ്യമെല്ലാം വിട്ടിട്ട് നല്ല ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി എഴുന്നേൽക്കുന്നു. അതാണ് ഈ വരികളിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മീൻസ് വെൻ ദ സൺ റൈസ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ദ ചിൽഡ്രൻ വിൽ വേക്ക് അപ്പ് ഫ്രം ദെയർ സ്ലീപ് ഫീലിംഗ് റിഫ്രഷ്. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പ് ഹം കവിതയ്ക്ക് അഗലേ ചാർ പംക്തിയോ കെ ഓർ ധ്യാൻ ലഗാതെ ഹൈ. തോ അഗലേ ചാർ പംക്തിയോ മേ കവി നെ ക്യാ കഹാ ഹൈ? बच्चे होते हैं उदास पर वह हर दम मुस्कुराती है। देखिए, बच्चे होते हैं उदास पर वह हर दम मुस्कुराती है। चुपके से आंखें चमकाकर कानों में कह जाती है। चुपके से आंखें चमकाकर कानों में कह जाती है। बच्चों ध्यान से सुनिए, आपका उच्चारण अच्छे होने के लिए आप हर ठीक से सुनना चाहिए। तो इन पंक्तियों में आए
नए शब्दों के ओर हम ध्यान लगाते हैं। शब्दों में आए नए शब्दों के ओर, इन पंक्तियों में आए नए शब्दों के ओर, इन पंक्तियों में क्या क्या नया शब्द आए हैं वो हम जानेंगे अभी। देखिए, उदास, एक नया शब्द आया है उदास। उदास का मतलब क्या है? उदास यानी संकट। संकट का मतलब है सैड, संकट। ले तो हरदम, हरदम का मीनिंग क्या होगा? हरदम मींस ऑलवेज, ऑलवेज एलाइपोलो। मुस्काती मींस स्माइल, पुंचिरिकिया। मुस्काती पुंचिरिकिया। किरण, किरण का मतलब क्या होगा? किरण यानी रे, किरणंगल, सूर्य किरणंगल। तो आंखें चमकाना, आंखें चमकाना का मतलब क्या होगा? आंखें चमकाना, लुक अराउंड। और कान, कान क्या होगा? कान का मतलब है ईयर्स। आपका ईयर्स को हम कान कहेंगे, है ना? तो आपको दो आंखें हैं, दो कान है, ये सब आप जानते हैं ना। तो कान का मतलब है ईयर। तो हम जानेंगे इन पंक्तियों का आशय। इन पंक्तियों का आशय क्या होगा? अब हम इस कविता के आशय क्यों चलते हैं। कभी कहते हैं बच्चे कभी कभी उदास हो जाते हैं। कभी क्या कहते हैं? कभी कहते हैं बच्चे कभी कभी उदास हो जाती है। पर वो कभी उदास नहीं होते। वो कौन होगा? सूरज की किरणें। तो सूरज की किरण कभी उदास नहीं हो जाती है, वो हर दम मुस्काती है। सूरज की किरण हर दम मुस्काती है। तो कभी कहते हैं बच्चे कभी कभी उदास हो जाती है, लेकिन सूरज की किरण हमेशा मुस्काते रहते हैं। वो कभी उदास नहीं होती, हमेशा चमकदार होते हैं। तो सूरज के किरण क्या होते हैं? हमेशा चमकदार होते हैं। वो चुपके से बच्चों के कानों में कुछ कह जाते हैं। तो सूरज के किरण चुपके से बच्चों के कानों में कुछ कह जाते हैं। वो क्या कहा होगा उसके बारे में अगले पंक्तियों में पढ़ेंगे। अभी कवि ने कहा है सूरज का किरण कभी उदास नहीं होते, वो बच्चों के कानों में, सैड बच्चों के कानों में, यानी संकट उदास रहने वाले बच्चों के कानों में आकर कुछ कह जाते हैं। वो क्या कहते हैं वो हम आगे जानेंगे। तो द पॉइंट सेज दैट द चिल्ड्रन विल बिकम सैड और डिसअपॉइंटेड, बट द सन रेज आर ऑलवेज ब्राइट एंड शाइन। द सन रेज विल कम एंड टेल क्वाइट समथिंग टू द सैड चिल्ड्रन। എന്താ പറയുന്നത്? കുട്ടികൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ സൂര്യകിരണങ്ങൾ ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെടുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും ബ്രൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ, സന്തോഷത്തോടുകൂടി, വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയുള്ള വളരെ ബ്രൈറ്റായ സൂര്യകിരണങ്ങൾ മുസ്കുരാത്തെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവർ കുട്ടികളുടെ സൂര്യകിരണങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാതിൽ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? അതാണ് അടുത്ത വരികളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. തോ ആകെ ഹം ചലത്തെ ഹെ കവിതാക്കെ അന്തിം ചരൺക്കെയോ, अंतिम चरण यानी लास्ट फोर लाइन्स के हो। ओके, तो लास्ट फोर लाइन्स में क्या लिखा है? प्यारे बच्चों मुझसा ही है चमकदार तेरा जीवन। तो कवि कहते हैं प्यारे बच्चों मुझसा ही है चमकदार तेरा जीवन। भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण। दोहराती हूँ, प्यारे बच्चों मुझसा ही है चमकदार तेरा जीवन। भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण। आइए इन पंक्तियों में कवि जो जो नए शब्द आए हैं उसके बारे में हम पहले जानेंगे। इन पंक्तियों में क्या क्या नए शब्द आए हैं देखिए बच्चों। ओ मुझसा, मुझसा का मतलब क्या होगा? लाइक मी, मुझसा यानी लाइक मी। सूरज सी, सन लाइक, लाइक सन। तू यानी यू, तेरा यानी युवा, चमकदार का मतलब क्या होगा? चमकदार यानी ब्राइट। ये सब अंग्रेजी शब्द है और इसका समानार्थक शब्द भी होगा, वो हम आगे एक्सरसाइज से यानी अभ्यास फॉर्म में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस लाइन, इस पंक्तियों का आशय क्या होगा कविता के अंतिम चरण में। तो पिछले पंक्तियों में हमने पढ़ा कि सूरज के किरण आकर बच्चों के कानों में कुछ कह जाते हैं। वो क्या कहते हैं उसके बारे में इन पंक्तियों में हम जानेंगे। तो सूरज के किरण बच्चों से क्या कहा होगा? अब सोचिए सूरज के किरण क्या कहा होगा बच्चों से। हाँ, सूरज के किरण उदास बच्चों के कानों में सुबह सुबह कहते हैं, सुबह सुबह आकर कहते हैं बच्चों
तुम मुझसा ही है, तुम मेरा जैसा ही हो, तुम मेरा जैसा ही चमकदार हो, तुम्हारा जीवन भी मेरे जैसे ही हो, तुम्हारा जीवन भी मेरा जैसा चमकदार हो, तुम्हारा जीवन भी मेरे जैसे चमकदार हो। भारत माता सूरज के समान है, आगे कभी कहते हैं भारत माता को कभी किसके समान बताया गया है, भारत माता को कभी सूरज के समान बताया गया है। तो भारत माता सूरज की समान है और बच्चे, आप बच्चे उनके किरणों के समान है। तो कभी कहते हैं भारत माता सूरज के समान और बच्चे लोग, बच्चे आप सब उसके किरणों के समान है। इसका इसमें कवि का आशय ये है कि भारत माता के समान तुम हो, इसका अर्थ है कि भारत माता सूरज के समान और तुम उसके किरण के समान, इसलिए कभी आप सब उदास नहीं होना चाहिए, आप सब उदासी छोड़कर किरणों की तरह चमकता, यानी आप सब अपनी उदासी छोड़कर अपने कर्मों को, अपने सच्चे और अच्छे कर्मों से जग को रोशन कीजिए, यही इसका तात्पर्य है। कवि का तात्पर्य यह है कि आप सब अपना आलस्य छोड़कर अपना सत्कर्मों से, अपने अच्छाइयों से दूसरों की भलाई कीजिए, दूसरों का मदद कीजिए, यही इस कविता का तात्पर्य है। नम्मलेंत चेय्यणम, नम्मल नम्मुडे ആലസ്യമെല്ലാം വെടിഞ്ഞിട്ട്, ആലസ്യമെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൂര്യകിരണങ്ങളെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുക, ഭാരതമാതാവിന്, ഭാരതമാതാവിന് ലോകത്തിന് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യാനാണ് കവി ഈ കുഞ്ഞു കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? തോ ആകെ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ മീൻസ് लास्ट लाइन से, लास्ट पंक्तियों में कवि कहते हैं द सनराइज सेड टू द सैड किड्स यू नीड नॉट बी सैड यू बी हैप्पी लाइक मी। इन दिस लाइन द पोएट कंपेयर्स किड्स विद रेस ऑफ सन एंड भारत माता विद द सन एंड द सनराइज टेल दैट डोंट बी सैड वेक अप एंड वर्क हार्ड एंड डू गुड। धन्यवाद।